ऑलराइट, अगर आपका बजट 1500 है या अगर आपका बजट 2000 या 2500 भी है लेकिन आपको लेना है 1500 के प्राइस सेगमेंट में एक बेस्ट स्मार्ट वॉच, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हैमर पल्स एस प्रो होने वाला है। ये जो स्मार्ट वॉच है ये दिखने में काफी अच्छा लगता है और प्लस में इसमें आपको कॉलिंग एवरीथिंग जो स्मार्ट वॉच में आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फीचर भी इसमें दिया गया है, तो सभी के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल्स में, तो वीडियो पूरा देखिए, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। इसकी स्टार्टेड बॉक्स में आपको देखने मिलता है यूजर मैनुअल जहां से आप ऐप वगैरह का इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद एक वारंटी कार्ड है जहां से आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 महीने और, यानी 6 महीने का वारंटी इसके साथ आता है और 2 महीने का और मिल जाएगा, तो टोटल 8 महीने का वारंटी के साथ आता है ये स्मार्ट वॉच। यहां पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, तो आपको यहां पे केबल भी प्रोवाइड किया गया है, जस्ट ये मैग्नेट से चिपक जाता है और आपको अपने नॉर्मल जो चार्जर ब्रिक होता है उसमें लगाना है, चार्ज होने लगा आपका स्मार्ट वॉच। और यहां पर रखा गया स्मार्ट वॉच जैसा आप देख सकते हो, दिखने में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ऑलराइट, यहां पे आपको फुल डिटेल में बताते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो इसका जो बिल्ड है गाइस माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे जो इसका डायल है ये आपको फुल्ली मेटल बॉडी में देखने मिलता है, स्टेनलेस स्टील टाइप का। इसका राइट साइड में जो बटन दिया गया है जो मल्टी फंक्शन बटन होता है ये आपको यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन फीचर के साथ आता है, जिसे रोटेट करके आप यहाँ पे वॉच फेस हो गया, आइकन हो गया, ये सब आप चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ एक और बटन दिया गया है जिससे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विच अप कर सकते हो स्मार्ट वॉच को। बीच में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन भी देखने मिलता है, तो कॉल के समय यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पूरा क्लीन है, हाँ, लेकिन बॉटम में आपको यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, सामने वाले का आवाज भी तो आना चाहिए और म्यूजिक वगैरह भी इसमें सुन सकते हो। बैक साइड का जो एरिया है यहाँ पे आपको सेंसर देखने मिल जाता है, ब्रांडिंग हो गया हैमर का। अब इसका जो स्ट्रैप है ये भी काफी सॉफ्ट है, आपको यहाँ पे सिलिकन का स्ट्रैप देखने मिल जाता है और कुछ इस तरह का डिजाइन होने वाला है लॉकिंग सिस्टम वाला, जो काफी अच्छा लगता है स्मार्ट वॉच का स्मार्ट स्ट्रैप वैसा आपको लगेगा। तो यहाँ बिल्ड एंड डिजाइन में माइंड ब्लोइंग है। अब वैसे यहाँ बात करते हैं डिस्प्ले का, तो इसमें लगा हुआ है 1.81 इंच का HD डिस्प्ले, 240x280 का यहाँ पे रेजोल्यूशन के साथ आता है। और जो इसका डिस्प्ले है गाइस ये आपको कर्व पूरा दिखेगा, जैसा आप यहाँ पे थंबनेल देखकर आए हो कुछ वैसा ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, कोई क्लिकबेट नहीं है। यहाँ पे जो डिस्प्ले पूरा कर्व दिखता है, प्लस में जो इसका ब्राइटनेस है इंडोर और आउटडोर में दोनों में काफी अच्छा है। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो, आउटडोर का सैंपल आप देख सकते हो, काफी अच्छा यहाँ पे टाइम वगैरह दिख रहा है। वॉच फेस मैंने चेंज कर करके देखा, मुझे काफी अच्छा लगा है। इंडोर में भी आप देख सकते हो वॉच फेस वगैरह काफी अच्छा लग रहा है, टाइम आप प्रॉपर देख सकते हो, सनलाइट भी रहेगा फिर भी आप टाइम आराम से देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो इसका टच रिस्पॉन्स और जो इसका यूआई है ये भी अपने आप में काफी अच्छा है। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो काफी क्विकली होता है, कोई भी आपको यहाँ पे लेटेंसी फील नहीं होगा। और जो इसका विजेट वगैरह है ये तो नेक्स्ट लेवल है गाइस, मतलब ऐसा तो मैं स्मार्ट वॉच में देखा ही नहीं हूँ, मतलब इस बजट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब जैसे ऊपर से नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 गेम का यहाँ पे आइकन बनाया गया है। नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट जो होता है मेनू ये देखने मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हो, बड़ा बड़ा आइकन है, छोटा छोटा नहीं दिया गया है। फ्लैश लाइट हो गया, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल हो गया। इसके बाद यहाँ 4 मेनू स्टाइल आपको देखने मिलता है, जिसमें बेबी ब्रीथ हो गया, लिस्ट स्लाइड हो गया, WP ब्लॉक लिस्ट। तो ये 4 मेन्यू स्टाइल है, सभी के ऊपर हम फुल डिटेल में आपको बताएंगे। इसका जब आप राइट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको 4 शॉर्टकट जो रिसेंट में ओपन हुए रहेंगे ये आपको दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कॉल हो गया, गेम हो गया, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब दिखा रहा है। और जैसे लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ मेन मेन्यू जो होता है ये आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ मेन्यू स्टाइल आप चेंज करोगे तो आपको लिस्ट मेन्यू स्टाइल देखने मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे एक और मेन्यू स्टाइल है जो काफी पसंद आया है, जिसका WP है, ये आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी बड़ा बड़ा सा जो विजेट आता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप यहाँ पे थंबनेल में देखे थे कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो सच में बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है इसका विजेट वगैरह भी। और इसके UI में आपको रोटेटिंग क्राउन का जो दिया गया है इसका यूज करके यहाँ पे आइकन को ऊपर नीचे कर सकते हो, वॉच फेस चेंज कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब गाइस यहाँ बात करते हैं इसके फीचर का, तो इसका फीचर अपने आप में काफी ज्यादा है और जो स्मार्ट वॉच आते हैं मार्केट में उससे काफी अच्छा आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलिंग फीचर यूज करते हैं, तो यहाँ मैं कॉल लगाता हूँ भैया को और बात करते हैं किस तरह से हमारी बात हो पाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉल आ चुका है, अब बात करते हैं। हेलो, हाँ भैया, मैं एक स्मार्ट वॉच का यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है आपको? आवाज़ तो अच्छा आ रहा है, कोई डिस्टॉर्शन कट के आ रहा है ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आवाज़ बहुत अच्छा है। माइक वगैरह क्वालिटी एकदम सही लग रहा है आपको? ओके, आपका भी आवाज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो गाइस यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो और कॉल को कट भी कर सकते हो। ओके, तो कट कर देते हैं, तो इस तरह से आपकी बात हो पाएगी। अब गाइस यहाँ पे और जो फीचर है ये सब आपको इसमें देखने मिलता है।
यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो और वॉल्यूम को रेज और डाउन भी कर सकते हो। तो ये फीचर आपको म्यूजिक में देखने को मिल जाता है। अब गाइस इसके आते और भी फीचर है उसके ऊपर। यहाँ पे आपको इनबिल्ट 4 गेम देखने को मिलते हैं, 4 गेम दिया गया है जो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर से नीचे जब करोगे यहाँ पे शॉर्टकट मेनू में आपको देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेसिंग गेम है, तो यहाँ पे रेसिंग गेम खेल कर देखते हैं। जो आता था पहले फीचर फोन में वो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। इसके बाद यहाँ पे सुडोकू ही बोलते हैं आई थिंक, बट मुझे खेलने नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एयर स्ट्राइक गेम देखने मिल जाता है जो काफी अच्छा लगता है खेलने में। इसमें जो गेम दिया गया एक्चुअल में आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। इसके बाद एक और गेम है जो बर्ड वाला जो गेम होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे और काफी कलरफुल डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर आप बना सकते हो इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, तो मैथ का इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 1+1 2 हो जाता है, 2+2 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हो। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एनालॉग का मतलब ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ बेड साइड लैम्प मोड हो गया, इसमें आप इसे सेट कर सकते हो। इसके बाद कैलेंडर हो गया, कैलेंडर काफ़ी अच्छा है, इसे आप यहीं पे सारी चीज़ देख सकते हो। अलार्म हो गए, स्टॉप वॉच, ये सब नॉर्मल फीचर तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर एंड स्पोर्ट्स मोड के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है SPO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस मॉनिटर, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पल्स मीटर की हेल्प से इसका चेक करते हैं कितना एक्यूरेसी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो कुछ हिस्से से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ये एनिमेशन वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। 95, 96, ये यहाँ पे 100 है, तो कुछ इस तरह का आपको डेटा देखने को मिलता है। अभी आते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो कुछ ऐसा डेटा आपको देखने को मिलेगा। पल्स मीटर में तो नहीं आता है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डेटा निकल कर आया है। ओके, अब इसके बाद स्पोर्ट्स मोड में आते हैं। स्पोर्ट्स मोड में आपको वॉक, रन, क्लाइंब, राइड, ट्रेडमिल और इसका रिकॉर्ड का ऑप्शन है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। वॉक में आते हैं और ये देखो आप कितना कलरफुल लग रहा है। गो एंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो गया है। और ये BPM का है, ये कैलरीज का है और यहाँ पे कितना किलोमीटर आप चल रहे हो ये आपको दिखाएगा। और इसके बाद गाइस कुछ इस तरह से इसे हम बंद करते हैं। ओके, तो ये डेटा यहाँ पे निकल कर आएगा जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको IP67 भी देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत अगर बारिश हो रही है स्मार्ट वॉच पहने हो तो दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको इन ऐप GPS भी देखने को मिलता है, तो ऐप में जाकर आप देख सकते हो आपने कौन सा रूट लिया था, ये सब आपको शो करेगा। अब स्मार्ट वॉच को और थोड़ा सा कस्टमाइज करना है तो ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। M2 VR आपको ऐप डाउनलोड करना है, जैसे ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, रेस टू वेकअप और एडिशनल सेटिंग हो गया। एडिशनल सेटिंग में आओगे तो आपको मैसेज रिमाइंडर हो गया, आइडल अलर्ट हो गया, ये सब आपको सिंपल जो चीज़ होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आना है डायल में, जो इसका ये पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डायल में आने के बाद यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के वॉच फेस लगा सकते हो, एप्पल वॉच फेस भी दिया गया है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। एनिमेटेड वॉच फेस भी दिया गया और साथ में आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ फोन बुक है, तो उसे आप अपना कॉन्टैक्ट वगैरह सिंक करके रख सकते हो, तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर आपको ऐप UI भी देखने को मिल जाएगा। क्या बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, तो अगर आप इसे नॉर्मल यूज करते हो तो आपको 3 दिन का बैटरी देखने को मिलेगा और आप अगर कॉलिंग फीचर यूज करते हो तो आपको 1 दिन का बैटरी देखने को मिलेगा। तो बैटरी मैं बोलना चाहूंगा ज्यादा अच्छा तो नहीं है, बट आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है और चार्ज करने में आपको 1 घंटे लगेंगे। ये जो स्मार्ट वॉच है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। 1500 में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर देखने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए आपको। अब बात करते हैं ये जो स्मार्ट वॉच आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसका जो प्राइस है Amazon पे आपको 1800, Flipkart पे आपको 2200 और इसके वेबसाइट पे आपको 2000 देखने को मिलेगा। बट अफ्रेड मत हो, यहाँ पे जो इसका प्राइस होने वाला है 1500 में आपको देखने को मिल जाएगा। 10 अक्टूबर to 20 अक्टूबर तक आपको ये कोड यूज करना है। यहाँ पे कोड आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसे आप कॉपी करके पेस्ट करना। जब भी बाय करोगे उस समय तो आपको 300 का वहीं पे ऑफ देखने को मिल जाएगा, तो 1800 में से 300 माइनस कर लो, 1500 में स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्मार्ट वॉच है, बिल्ड अच्छा है, कॉलिंग फीचर के साथ आता है, बड़ा सा डिस्प्ले है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड में क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में भरिए, जो भी आपके माइंड में क्वेरी वगैरह है पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।